इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अलका लामा जी, चौधरी लाल सिंह जी, हूं दीक्षा कैं के अपने विचार रखे दो मिनट वास्ते दीक्षा दे। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय चौधरी लाल सिंह जी, मैडम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे प्लासी के लोग तो मिकी काफी जानते अच्छे तरीके ने, ते मैं अज इन्नी इधर बैठी इन्ना अपने आप की खुशकिस्मत महसूस करा नी कि सिर्फ मेरे एक सवेरे मैसेज पाने उपर कि मेरे सेल्फ हेल्प दी लेडीज जड़िया काफी तादाद करने जा रही जोरदार मैसेज पा रही। समझदार हो क्योंकि जड़ी लेडीज एक घर चलांदी सारा पता अपना तो और मेरी गल है कि कुसी ने बहकाव उपर नहीं आना कि बीजेपी ने यह किया असि कुसी कने कोई नहीं लड़ना सिर्फ तुस अपनी सोच बूझ कने अपना वोट भी अपनी फैमिली का वोट भी अपने घर वालों का वोट भी बच्चे का भी वोट भी राइट उपर पाना मतलब हथ उपर पाना सी ठीक है। और कोई भी आइडिया इधर तक कोई भी मेरी फैमिली की टॉर्मेंट नहीं करे कि ओ चौधरी साहब उनके कने चला दी गलत साइड जा दी अगर मिकी मेरी फैमिली मेरे हस्बैंड अगर मिकी जाने से इधर उधर नहीं रोका दे तुसी लोगों की क्या औकात है ठीक है। अगर बोलना है मेरे सामने ये बोलो मेरी फैमिली की टॉर्मेंट नहीं करना मैं कुछ नहीं डरती मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप दे एक बैंक मित्र ग्रामीण बैंक मारता नगरोटा में उधर लग रही और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज दी ने पता है काफी हेल्प करनी पर मिकी सारे अच्छे पर मेरे सामने कोई नहीं बोलता चोरिया जिन्ना मर्जी बोलना और मिकी उधर कोई फर्क भी नहीं पड़ता तो प्लीज थोड़ा गया हथ गुजारे लेडीज आ गया कि थोड़ा आए तुसे अपना कीमती समय कटिया और मैं भी बड़ी मुश्किल कहना आई मतलब कि अज आना भी असंभव आ क्योंकि सारिया गड्डिया उधर याद आई है वो और कुछ सारिया नौशहरे दी गड्डिया निकल आई हैं मैं सिर्फ 10 मिनट बड़ी मुश्किल कहना आई पर क्योंकि अज चौधरी साहब उनके कहना आना हा क्योंकि मैं तुसे लोगों भी बचाना चाहनी और प्रियंका ने बड़े अच्छे जड़े शब्द दिते तुसें काफी उदे कन्ने कुछ सूझ बूझ आई होनी कि क्योंकि हुण समझाने की कोई जरूरत है तो मेरी थोड़ा क्या गुजारिश है कि इसी याद रखे अगर इसी भुलिया तो जिंदगी गई। थैंक यू धन्यवाद। बहुत अच्छे और अच्छी पार्टी चलानी और हूँ इन्हें बुलाना जम्मू कश्मीर के प्रेजिडेंट बड़ी लेडीज दी तो उन्होंने सारा तुम्हें मिलना चाहते बारी नहीं सारी ठीक है ना। हाँ चंगा थैंक यू वेरी मच सर। मेरी ऑल इंडिया से हमारी नेशनल प्रेसिडेंट और हमारी मेंटर और हमारी प्रेरणा और बहुत ही किराना लीडर हमारी नेशनल प्रेसिडेंट अलका लांबा जी और हमारे यहाँ पे बहुत ही कायदे कारमा और हमारे जिसको हम शेर बबर कहते हैं और वॉइस किसी से मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है सबको पता है जो यहाँ पे हमारे बहुत ही पूर्व सांसद हमारे मंत्री और हमारे कांग्रेस के कदावर नेता हमारे चौधरी लाल सिंह जी हमारे भोपाल में MLA भी और हमारी महिला जो बहुत ही सशक्त है और हमेशा पेश पेश रहती है लाल सिंह के जी से हमारी कांता मैडम जी हमारे कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष बिंदुबाला जी ने मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और हाजरीन मजलिस जितने भी हमारी महिलाएं हैं PCC कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस के NSCI के और बिल्कुल सारे जो यहाँ पे हमारे सेवा दल के और बिल्कुल ये जो हमारे खासकर हमारे चौधरी लाल सिंह जी के हमारे बहुत ही कार्यकर्ता सबसे आज आपको पता है कि हमारे जो कैंडिडेट है चौधरी लाल सिंह जी वो बहुत ही सशक्त है अपने आप में एक लीडर है और अपने आप में एक मिसाल है और इस मिसाल को कायम करते हुए आपको आपने देखा हुआ पिछले सालों में जब वो मंत्री रहे जब वो सांसद रहे उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे आज भी याद है जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तो बहुत डरते थे लोग पेशेंटों के साथ कोई गद्दारी नहीं करता था पेशेंटों के साथ कोई व्यवहार नहीं करता था तब लोग डॉक्टर भी डरते थे एडमिनिस्ट्रेशन भी डरती थी जब हमारे पेशेंट जाते थे तो हर किसी को बिल्कुल अच्छी सुविधा मिलती थी लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है आपने देखा होगा कि यहाँ पे
क्या हालत हो गई है, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर जो है एक मुझे लग रहा है ऑर्फन हो गए, यतीम हो गए हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी स्टेट थी उसको हमने यूनियन टेरिटरी हमने बना दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनते हुए देखा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ है समर का था वो उन्होंने बंद कर दिया, जम्मू का सारा कारोबार उन्होंने खत्म कर दिया, वो सबसे छुपा नहीं है। अगर आपने देखा नोटबंदी की डिलिमिटेशन की जो हमारे असेंबली कॉलेज से आज थी उनमें तोड़ मोड़ करके ये कोशिश की कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ कांग्रेस के लीडर्स कैसे हारे, लेकिन उनको मैं यस मस्जिद से यहाँ पे इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि हमारे कांग्रेस के कदावर नेता या कोई भी जो हो हारेगा, उनसे हमें चैलेंज है कि आज हमें कहना चाहूंगी कि कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ कर जीत देगी इंशाल्लाह। और मैं कहना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, टैक्स लगा के स्मार्ट मीटर लगा के हमें जो गैस की सुविधा की हमारी माँ बहने थे, जो हमारे टाइम में जो गैस का दाम था 430 रुपया था जम्मू कश्मीर में, अगर वही गैस का दाम आज देखेंगे तो 1200 में मिलता है, अगर होम डिलीवरी हो जाए तो 1500 में मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगी जो भी हमारी माँ बहने हैं, इनका विडो पेंशन था, ओल्ड एज पेंशन था, बूढ़ों का वर्ड था, हमारी बच्चियों का मेरिट का था, हमारे युवाओं का स्कॉलरशिप था, हमारे युवाओं के पास नौकरियां थी, आज अगर देखेंगे 10 सालों से हमारे कोई टीचर का पोस्ट नहीं निकला है। आप लिख के दीजिए कि जब आप ये वेरीफाई कर दीजिए 2014 से आज तक कोई टीचर का पोस्ट नहीं निकला है। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, अगर देखेंगे एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अगर देखेंगे महंगाई आसमान छू गई है, जीएसटी लगा दिया गया, अडानी अंबानी के लिए जीएसटी नहीं है, फिल्मी सितारों के लिए जीएसटी नहीं है, टैक्स नहीं है, लेकिन हमारे दालों पे टैक्स है, हमारे टमाटर पे टैक्स है, हमारे हर एक चीज पे टैक्स है, टमाटर लाइए दाल लाइए आप गैस हर चीज पे टैक्स है, लेकिन फिल्मों पे टैक्स नहीं है। इस चीज को खत्म करने के लिए आपको इस वक्त बदलाव लाने की जरूरत है। भाजपा सरकार ने हमें इलेक्शन ही नहीं रख दे दिया पिछले 10 सालों से, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट दे दी है उनकी हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं कि हमें एक और मौका दिया है, लेकिन इस वक्त आपको भाजपा सरकार को अपने वोट से करारा जवाब देना है। ठीक, क्योंकि कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है, आपके ज्योतिलाल सिंह जी ही ऐसे बंदे हैं जो आपको यहाँ पे इस चीजों से मुक्ति दिला सकते हैं, आपके जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं। आपको कहना चाहूंगी जो आपका गैस का दाम है, आप हमारी हमारी जो इस वक्त कोलिशन हमने किया है इनसी के साथ, हमारे यहाँ पे एक मैनिफेस्टो बनाया गया है कि जो हमारी महिला है हर घर के हेड ऑफ द फैमिली जो महिला है, उनको सालाना यानी कि एक साल एक महीने में 3000 जो रुपए सबको मिलेंगे, एक महिला को 3000 प्रतिमा मिलेगा। और जो हमारे गैस का दाम है वो जो उन्होंने 1200-1500 कर दिया फिर से 500 का कर दिया गया है, और जो हमारे स्मार्ट मीटर से वो खत्म कर दिए जाएंगे, और जो युवा है उनके लिए 1,00,000 नौकरियां दिया जाएगा, और जो यहाँ पे जब से मैं कहूंगी जो है हम सबको सेहत की प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम पेशेंट्स होते हैं, कांग्रेस पार्टी ने देखा कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, और हमने जो गवर्नर बताते हैं वो हमारे जमाने में थे, मुझे आज भी याद है ऐसे ऐसे बैंक के थ्रू हम एक छोटे छोटे कार्ड इशू करते थे जिसमें लोगों को दवाइयां मिलती थी, 10,000 की बिल देते महीने, लेकिन चलो जब आ गए तो गोल्डन कार्ड बना दिया, लेकिन जब गोल्डन कार्ड आ गया तो गोल्डन पे अपने फोटो लगा लिया लेकिन दवाई नहीं मिलती, जब आप कभी इस्तेमाल करते हो तब ऑपरेशन का देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने 25,00,000 का ऐलान किया है हर एक ऐसे पेशेंट के लिए जिनको दवाई की जरूरत हो, जो एडमिट भी हो, जो इनके क्रोनिक पेशेंट हो उनके लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जो हमारे समूह है जो हमारे ऐसे चैनल ग्रुप्स है, यहाँ पे भी कुछ एनआरएलएम के ग्रुप्स होंगे, वो कहते हैं आज हमने बनाए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है जम्मू कश्मीर किया था जिसने उन्होंने एनआरएलएम की स्कीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारी वादा है आपका। तो मैं चाहती हूँ मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मेरी यहाँ पे प्रेरणा हमारी मेंटर मैडम आई है, इनका आप सुने बाकी अदा। बोलने वाले प्रवक्ता और भी बड़े हैं, इंडिया के सारे